अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शगुफ्ताज क्रिएशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम ये बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैं वुलन थ्रेड और 10 नंबर नीडल यूज़ कर रही हूँ। आइए बनाना शुरू करते हैं। टू स्टिच चेन, सिंगल क्रोशे, टू स्टिच चेन, सिंगल क्रोशे, ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 स्टिच चेन बनाएंगे। टर्न करेंगे, अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से रिंग बनाएंगे, टू चेन। अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। अब टर्न करेंगे, ये राइट साइड है हमारे पास। अब इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 7 डबल क्रोशे बनाए हमने। इस टू स्टिच चेन, इस साइड में भी हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 6। अब देखिए व्यूअर्स, ये जो 7th इस डबल क्रोशे है ये हम इस कॉर्नर में बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से। थोड़ा बड़ा करेंगे इसको इस तरह से। टू चेन दोबारा से अटैच करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टिच चेन। टर्न करेंगे, अब यहाँ पे हम इस ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1, 2 डबल क्रोशे स्टिच, 2 चेन, टू डबल क्रोशे स्टिच, सेवन चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चेन बनाने के बाद यहाँ पे अटैच करेंगे।
टू स्टिच चेन। ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें अटैच करेंगे। टर्न करेंगे, ये टू स्टिच हैं हमारे पास, ये देखिए 1 2। इसके बाद हम इसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हमने, टू स्टिच चेन। अब ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच, टू चेन, टू डबल क्रोशे स्टिच, टू चेन, सेवन डबल क्रोशे स्टिच, ये देखिए व्यूअर्स। अब जो लास्ट स्टिच है इसको यहाँ कॉर्नर में अटैच करेंगे। डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, सिंगल क्रोशे, टू चेन, सिंगल क्रोशे, टू चेन, टर्न करेंगे, अब यहाँ पे हम ये 2 स्टिच स्किप करेंगे और ये जो 3rd स्टिच है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन। अब ये 1 स्टिच स्किप करेंगे और जो 2nd है इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 चेन, डबल क्रोशे स्टिच। ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशे स्टिच, अब जैसे यहाँ हमने बनाया है वैसे ही इस साइड में बनाएंगे, 2 चेन, डबल क्रोशे, 1 2 चेन। ये देखिए व्यूअर्स, लास्ट में हम अटैच करेंगे ये जो स्टिच है इसमें, इस तरह से। अब टर्न करेंगे, ये देखिए व्यूअर्स, ये जो जाली हमने बनाई है दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 होल इस साइड में है और 1 2 3 4 5 6 इक्वल बनानी है दोनों साइड से एक ही तरह से।
इस पैटर्न की लास्ट रो बना रहे हैं। वन टू स्टिच चेन, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, टू स्टिच चेन। अब ये जो डबल क्रोशे हमने बनाया है इसी में डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, वन टू थ्री। अब यहाँ पे भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस गैप में इस तरह से, टू चेन। अब ये जो डबल क्रोशे बनाया है हमने इसी में डबल क्रोशे बनाएंगे थ्री टाइम, इस तरह से बनेगा। ये साइड कंप्लीट करने के बाद अब ये जो गैप है इसमें हम फोर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, टर्न करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो स्टिच है इसमें अटैच करेंगे, ये हम इस पैटर्न का टॉप बना रहे हैं। अगेन टर्न करेंगे, यहाँ पे ये रिंग बन जाएगा, टू चेन। वन डबल क्रोशे, टू चेन अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे से, इस तरह से पेटल बनेगी। टू चेन, वन डबल क्रोशे, टू चेन, सेकेंड पेटल हमारी बन गई। अभी हम थर्ड पेटल बना रहे हैं, ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से बनेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये बनाए सेम उसी तरह से इस साइड में भी बनाएंगे डबल क्रोशे, टू चेन। अब इस डबल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाएंगे थ्री टाइम, नेक्स्ट गैप में बनाएंगे सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स,
अब लास्ट में हम यहाँ पे अटैच करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे ताकि रो हमारी सीधी चलती जाए। इस तरह से अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे थोड़ा बड़ा करेंगे। टू चेन सिंगल क्रोशे, यहीं से फिर हमारा पैटर्न रिपीट होगा। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा बॉर्डर है। इस बॉर्डर को आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, शॉल पे, चादर पे या किसी भी चीज़ पे। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फिया मानिल्ला।